हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। और आज के ब्लॉग वीडियो में हम आए हुए हैं गुजरों के शेर सीताराम पोसवाल जी के यहाँ पे। उनका दौसा जिले के अंदर एक बंगलो है, आपको बंगलो दिखाने वाले हैं। यहाँ पर करीब उनकी 100-150 का ज़मीन है, जिसके अंदर बहुत ही सारे प्लांट है, बहुत ही ग्रीन हाउस है और फलों के पेड़ है। और उनका जो बंगलो है 5 मंजिला का बंगलो है, वो आपको दिखाएंगे। तो अभी सबसे पहले आप ये देखिए, जो आपको सामने दिख रहा है ये वाला सीन गाइज, ये है यहाँ का 30 फीट ओंडा और करीबन 2 बीघा के अंदर बना हुआ स्विमिंग पूल, जो कि यहाँ की खेती बाड़ी के अंदर और जो फल लगा रखे हैं सब्जी वब्जी उसके अंदर पानी देने के अंदर काम आता है। और यहाँ पर जो हम आए हुए हैं, मैं हूँ और दशरथ भाई हमारे साथ, और लल्लू भाई साहब भी आए हुए हैं। और जो आपको पीछे दिख रहा है वो है उनका बंगलो। अभी यहाँ से क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, हम वहाँ पर आपको जाके दिखाएंगे पूरा। तो अभी आप वेट कीजिए, हम चलते हैं उस बंगलो की तरफ। तो यहाँ से आपको पूरा सीन दिख रहा होगा, करीबन 1-2 बीघा का ये पूरा स्विमिंग पूल है उनका। भाई गुजरों के ठाटे ऐसे होते हैं, तो कभी राजस्थान में आओ तो यहाँ पे जरूर आना, ये पड़ेगा आपको दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अभी आप जो देख पा रहे हो वो है इनका बंगलो, जो कि अभी क्लियर नहीं दिख पा रहा है। तो थोड़ा सा एक्सपोजर डाउन करने के बाद शायद मे भी आपको ये दिख जाए, तो हम दिखाते हैं अभी आपको। देखिए ये जो दिख रहा है ये बंगलो है उनका। तो गाइज इंजॉय करिए, अभी वो दिखाते हैं आपको। बेसिकली वो तो यहाँ पर रहते नहीं है, लेकिन यहाँ पर मामा श्री रहते हैं, वो मामा श्री वहाँ पर खाने के लिए कुछ बना रहे हैं। तो चलिए, तो बगीचा दिख रहा है आपको ये वाला बगीचा। ये जो बगीचा है वो नींबू का लगा रखा है यहाँ पे, और साइड में और भी बगीचे हैं यहाँ पर।